अजय देवगन की सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1991 में। फिल्म का नाम था फूल और कांटे। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद 1992 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी जिगर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद सन 1993 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी दिव्या शक्ति। ये फिल्म डिजास्टर रही थी। इसके बाद फिल्म रिलीज हुई थी इसी साल में प्लेटफॉर्म। ये फिल्म भी डिजास्टर रही थी। इसी साल में अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी संग्राम। ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। इसी साल अजय देवगन की शक्तिमान फिल्म भी आई थी। ये फिल्म एवरेज रही थी। इसी साल अजय देवगन की दिल है बेताब फिल्म भी आई थी। ये फिल्म डिजास्टर रही थी। इसी साल अजय देवगन की एक ही रास्ता फिल्म भी आई थी। ये फिल्म बेलो एवरेज रही थी। इसी साल अजय देवगन की बेदर्दी फिल्म भी आई थी। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। और इसी साल अजय देवगन की धनवान फिल्म भी आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। इसके बाद 1994 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी दिलवाले। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी साल अजय देवगन की कानून फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल अजय देवगन की विजयपत फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म हिट रही थी। और इसी साल अजय देवगन की सुहाग फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म भी हिट रही थी। इसके बाद सन 1995 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी नाजायज। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। इसी साल अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी हलचल। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज आई थी गुंडाराज। ये फिल्म बेलो एवरेज रही थी। और इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म आई थी हकीकत। ये फिल्म एवरेज रही थी। इसके बाद सन 1996 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी जंग। ये फिल्म बेलो एवरेज रही थी। इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी दिल जले। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म आई थी जान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद सन 1997 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी इश्क। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी इतिहास। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसके बाद सन 1998 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी मेजर साहब। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी प्यार तो होना ही था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। और इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म आई थी जख्म। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसके बाद अजय देवगन की 1999 में फिल्म रिलीज हुई थी होगी प्यार की जीत। ये फिल्म अबव एवरेज रही थी। इसी साल अजय देवगन की हम दिल दे चुके सनम भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म हिट रही थी। इसी साल अजय देवगन की हिंदुस्तान की कसम फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म बेलो एवरेज रही थी। इसी साल अजय देवगन की गैर फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसी साल अजय देवगन की तक्षक फिल्म भी आई थी। ये फिल्म डिजास्टर रही थी। और इसी साल अजय देवगन की कच्चे धागे फिल्म भी आई थी। ये फिल्म सेमी हिट रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की दिल क्या करे फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद सन 2000 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी दीवाने। ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। और इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी राजू चाचा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। इसके बाद सन 2001 में अजय देवगन की फिल्म आई थी ये रास्ते हैं प्यार के। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसी साल अजय देवगन की लज्जा फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। और इसी साल अजय देवगन की तेरा मेरा साथ रहे फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। इसके बाद सन 2002 में अजय देवगन की फिल्म आई थी कंपनी। ये फिल्म एवरेज रही थी। और इसी साल अजय देवगन की हम किसी से कम नहीं फिल्म भी आई थी। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। और इसी साल अजय देवगन की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म भी आई थी। ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। और इसी साल अजय देवगन की दीवानगी फिल्म भी आई थी। ये फिल्म बेलो एवरेज रही थी। इसके बाद सन 2003 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी भूत। ये फिल्म हिट रही थी। इसी साल कयामत फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म एबव एवरेज रही थी। और इसी साल अजय देवगन की चोरी चोरी फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म डिजास्टर रही थी। इसी साल में अजय देवगन की गंगाजल फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म एवरेज रही थी। इसी साल में अजय देवगन की परवाना फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसी साल में अजय देवगन की जमीन फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म बेलो एवरेज रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की एलओसी कारगिल फिल्म भी आई थी। ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। इसके बाद सन 2004 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी खाकी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। इसके बाद इसी साल अजय देवगन की मस्ती फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म हिट रही थी। इसी साल अजय देवगन की युवा फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेलो एवरेज रही थी। और इसी साल अजय देवगन की रेनकोट फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म डिजास्टर रही थी। इसके बाद सन 2005 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी इंसान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी साल अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी ब्लैकमेल। ये फिल्म डिजास्टर रही थी। इसी साल में जमीर फिल्म भी आई थी। ये फिल्म भी डिजास्टर रही थी। इसी साल अजय देवगन की टैंगो चार्ली फिल्म भी आई थी। ये फिल्म भी डिजास्टर रही थी। इसी साल में अजय देवगन की काल फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म एबव एवरेज रही थी। इसी साल में अजय देवगन की मैं ऐसा ही हूँ फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म डिजास्टर रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की अपहरण फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म सेमी हिट रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की शिखर फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। इसके बाद सन 2006 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी गोलमाल फन अनलिमिटेड। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।
और इसी साल में अजय देवगन की ओमकार फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद सन 2007 में अजय देवगन की फिल्म आई थी केस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। और इसी साल अजय देवगन की आग फिल्म भी रिलीज हुई थी, ये फिल्म डिजास्टर रही थी। सन 2008 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी हल्ला बोल, ये फिल्म फ्लॉप रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की संडे फिल्म भी रिलीज हुई थी, ये फिल्म बेलो एवरेज रही थी। इसी साल में अजय देवगन की यू मी और हम फिल्म भी रिलीज हुई थी, ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। इसी साल में अजय देवगन की महबूबा फिल्म भी रिलीज हुई थी, ये फिल्म डिजास्टर रही थी। इसी साल में अजय देवगन की गोलमाल रिटर्न्स फिल्म भी रिलीज हुई थी, ये फिल्म हिट रही थी। इसके बाद सन 2009 में अजय देवगन की फिल्म आई थी ऑल द बेस्ट, ये फिल्म एबव एवरेज रही थी। इसके अलावा इसी साल में लंदन ड्रीम्स फिल्म भी रिलीज हुई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद सन 2010 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी अतिथि तुम कब जाओगे, ये फिल्म एवरेज रही थी। इसके बाद फिल्म रिलीज हुई थी इसी साल में राजनीति, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी साल में अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, ये फिल्म हिट रही थी। इसी साल में अजय देवगन की आक्रोश फिल्म भी आई थी, ये फिल्म डिजास्टर रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की गोलमाल 3 फिल्म भी आई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद सन 2011 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी दिल तो बच्चा है जी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद में अजय देवगन की इसी साल में सिंघम फिल्म भी आई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की रास्कल्स फिल्म भी आई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद सन 2012 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी तेज, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी बोल बच्चन, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसी साल अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी सन ऑफ सरदार, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद सन 2013 में अजय देवगन की फिल्म आई थी हिम्मत वाला, ये फिल्म फ्लॉप रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी सत्याग्रह, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद सन 2014 में अजय देवगन की फिल्म रिलीज हुई थी सिंघम रिटर्न्स, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। और इसी साल अजय देवगन की एक्शन जैक्सन फिल्म भी आई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद सन 2015 में अजय देवगन की एक ही फिल्म आई थी दृश्यम, ये फिल्म सेमी हिट रही थी। इसके बाद सन 2016 में आई थी सिवाय फिल्म, ये फिल्म एवरेज रही थी। इसके बाद सन 2017 में आई थी बादशाह फिल्म, ये फिल्म बेलो एवरेज रही थी। और इसी साल अजय देवगन की गोलमाल अगेन फिल्म भी आई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद सन 2018 में अजय देवगन की फिल्म आई थी रेड, ये फिल्म हिट रही थी। इसके बाद सन 2019 में अजय देवगन की फिल्म आई थी टोटल धमाल, ये फिल्म हिट रही थी। और इसी साल में अजय देवगन की एक और फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, ये फिल्म भी हिट रही थी। इसके बाद सन 2020 में अजय देवगन की फिल्म आई थी तानाजी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। आपको इन सब में से अजय देवगन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके बताएं। तो ये थी अजय देवगन की हिट और फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट। आपको इन सब में से अजय देवगन की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है हमें कमेंट्स करके बताएं।